Now the next topic is the outbreak of the revolution. So the Louis XVI had to increase the taxes for the reason you have learned in the previous section. So I think we have already talked about that why the Louis XVI had to increase the taxes. और उसमें से एक मेजर रीज़न ये था कि जो अमेरिका की 13 कॉलोनीज थी उसको इंडिपेंडेंट करवाने के लिए हेल्प करा गया था, तो उसके लिए लुई 16 को डेफिनेटली टैक्सेस इंक्रीज करना पड़ा था, क्योंकि जब वो थ्रोन के ऊपर बैठा था तो ये चीज़ उसको पता थी कि जो गवर्नमेंट है उसके पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा हुआ है. सो हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस? So in France of the old regime, the monarch did not have the power to impose the taxes according to his will alone. Now that is very true. कि ऐसा नहीं था कि वो अगर तो वहाँ पर अपन को ये देखने के लिए मिलेगा कि केवल उसके ही बोलने से वहाँ पर taxes बढ़ जाएंगे. इसीलिए उसको जो king होता था वहाँ पर उसको एक meeting बुलानी पड़ती थी, जो कि हम लोगों ने 3 estates देखे थे वहाँ पर, जो कि क्लर्गी हो गया, नोबेलिटी हो गया, उसके बाद में थर्ड स्टेट हो गया. तो उनके जो हेड होते थे उनको बुलाना पड़ता था वहाँ पर, और फिर उनसे प्रपोजल लेना पड़ता था. प्रपोजल वहाँ पर रखने के बाद में उनसे कंसेंट लेना पड़ता था कि नाउ डेफिनेटली वी आर गोइंग टू इम्पोज मोर ऑफ द टैक्सेस ऑन द थर्ड एस्टेट. सो द एस्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी फॉर विच द 3 एस्टेट सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव. तो एक एस्टेट जो जनरल, अब व्हाट इज एस्टेट जनरल, ये समझना जरूरी है कि एस्टेट जनरल होता क्या है. तो एस्टेट जनरल एक तरीके की पॉलिटिकल बॉडी है सबसे पहले. और वो पॉलिटिकल बॉडी किस तरीके से काम करती थी कि वो एक वोटिंग सिस्टम, एक क्राइटेरिया वहाँ पर चलता था, और उसके थ्रू देखा जाता था कि क्या हम लोगों को टैक्सेस इम्पोज करना है या नहीं करना है. However, the monarch alone could decide when to call the meeting of this body. So the last time is what it was done was in 1614. तो काफ़ी टाइम पहले करा गया था ये. और ये केवल राजा डिसाइड कर सकते हैं कि उनकी मीटिंग कब रखनी है, ठीक है, लेकिन वोटिंग या फिर अगर टैक्सेस की अगर बात करें तो केवल ये राजा के हाथ में नहीं होता था उस टाइम पीरियड में कि जो राजा ने डिसाइड कर दिया है बस उस तरीके से हम लोगों को देखना पड़ेगा. तो डेफिनेटली दैट वाज नॉट ट्रू. सो ऑन 5th of May 1789 लुई 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ द एस्टेट जनरल टू पास द प्रपोजल ऑफ द न्यू टैक्सेस. तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा डेट ध्यान रखना पड़ेगा. 5th May 1789 को मीटिंग बुलाई गई थी, एक असेंबली थी, और उसमें बोला गया था कि आपको एक प्रपोजल पास करना है जिसके अंदर नए टैक्सेस हम लोग लगाने वाले हैं. सो अ रेस्पल्डेंट हॉल इन द वर्सेलिस वॉज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स. अब डेलीगेट्स क्या होता है ये समझना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है. तो देखो डेलीगेट्स मतलब होता है कि अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिनको इलेक्ट करके भेजा जाता है कि हाँ भैया हमारी तरफ से ये लोग वहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है. जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे तो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट जो हुआ करते थे, तो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट पूरा के पूरा उठ के वहाँ पर नहीं आ जाता है. फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट के जो लोग हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर होते थे कि उनको रिप्रेजेंट करने वाले जो कुछ लोग हैं वो वहाँ पर जाते थे. तो जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है. डेलीगेट्स मतलब द रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली. सो द फर्स्ट एंड द सेकंड एस्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच. तो 300 रिप्रेजेंटेटिव आपको फर्स्ट स्टेट से देखने के लिए मिले, 300 आपको सेकंड स्टेट से मिले, मतलब दो स्टेट से आपके पास में 600 मेंबर्स थे. हु वर सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर ऑन द टू साइड्स. मतलब आमने सामने बैठे हुए थे, 300 स्टेट वन के थे, 300 स्टेट टू के सामने वाली साइड में बैठे हुए थे. अब यहाँ पर आप थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन देख सकते हो. वेल द 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक. अब इन लोगों को खड़ा करा जा रहा था वो भी पीछे. डेफिनेटली 600 मेंबर्स थे क्योंकि ये जो था वो बड़ी क्लास थी. 90% जो थी वो आपकी थर्ड एस्टेट के लोग हुआ करते थे, तो यहाँ पर मेंबर्स भी ज़्यादा होने वाले थे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. तो भले ही उनके 300 मेंबर्स थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट के, थर्ड एस्टेट के 600 मेंबर्स थे उस टाइम पीरियड में. बट प्रॉब्लम ये थी कि सबसे पहले तो उनको पीछे खड़े रहने के लिए बोल दिया गया था. उसके बाद में द थर्ड एस्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स मोर प्रॉस्परस एंड द एडुकेटेड मेंबर. अब थर्ड एस्टेट में भी ऐसा नहीं है कि किसी को भी भेज दिया जाता था. स्पेसिफिकली थर्ड एस्टेट के अंदर भी उन लोगों को भेजा जाता था जो काफ़ी वेल्थियर बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, मतलब जिनके पास पैसा ज़्यादा हुआ है या फिर पैसा ज़्यादा है, और एडुकेटेड जो पढ़े लिखे मेंबर है काफ़ी ज़्यादा, उनको पीजेंट्स हो गए, जैसे कि स्मॉल वर्कर्स वगैरह जो होते हैं, आर्टिसंस हो गए, वुमेन्स हो गए, इन लोगों को तो एंट्री भी नहीं दी जाती थी असेंबली में. अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि सारी चीज़ें कहाँ पर हो रही है. तो हम लोगों ने पहले ही बात कर ली है कि जो असेंबली थी वो रेस्पल्डेंट हॉल में हुई थी जो कि वर्सलिस में लोकेटेड था. ओके,
However, their grievances and demands were listed in 40,000 letter which the representative had brought with them. तो आपको कुछ इस तरीके से समझना पड़ेगा कि जो 600 जने आए थे वहाँ पे टोटल, ये चीज़ तो हम लोगों को पता है कि 600 मेंबर्स आए थे थर्ड एस्टेट से, तो वो जो 600 मेंबर्स है उन लोगों, वो लोग जो है वो अपने साथ में 40,000 लेटर्स लेके आए थे। और ये लेटर किन लोगों ने भेजे थे? ये लेटर भेजे थे पीजेंट्स हो गए, आर्टिजन्स हो गए, वीमेंस हो गए, मतलब जिन जिन को प्रॉब्लम थी कि यार हम लोगों को नहीं बुलाया गया है, ढंग से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, उन लोगों ने 40,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने लेटर भेजे थे, उन 600 लोगों के हाथ में रख दिए थे, बोले कि ये लेटर्स तुम लोग लेते हुए जाओ और वहाँ पर ये चीज़ बताना कि तुम लोग कितना गलत कर रहे हो। ठीक है, फिर फाइनली वोटिंग एंड द एस्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच एस्टेट हैड वन वोट। तो देखो इस तरीके से समझना कि तीन एस्टेट होते हैं, तो क्लर्गी का एक वोट होगा, नोबेलिटी का एक वोट होगा और थर्ड एस्टेट का एक वोट होगा, मतलब टोटल तीन वोट होने वाले हैं। सो दिस टाइम टू लुई 16 वॉज डिटरमिंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस बट द मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट डिमांडेड दैट द वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाई द असेंबली एज अ होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। तो एक बात आप समझो कि टैक्सेस की बात चल रही है, कितना बायस होता था ये, क्लर्गी जिसका एक वोट है, नोबेलिटी जिसका एक वोट है, अगर वो दोनों हाँ बोल देंगे कि हाँ टैक्स इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि क्लर्गी और नोबेलिटी जो था वो तो वैसे भी टैक्स नहीं भरते थे, मेन जो होता था वो टैक्स आपको थर्ड एस्टेट को ही भरना है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब कहने का मतलब है कि जो आपका क्लर्गी हो गया, नोबेलिटी हो गया, टू और वन से वो लोग तो वैसे भी हारने वाले हैं। ठीक है, दो वोट तो फेवर में जाने वाले हैं कि हाँ भैया बढ़ा दो, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और एक वोट का तो वैसे भी कोई काउंट नहीं होने वाला है क्योंकि टू वन से वैसे भी टैक्सेस इंक्रीज तो होने ही वाले थे। तो लोगों ने, जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, उन्होंने साफ मना कर दिया, बोले ऐसा नहीं होगा, इस बार हर मेंबर एक एक काउंट होने वाला है। अब उससे होगा क्या कि 300 मेंबर्स आप देखोगे तो किसके हैं, क्लर्गी के, 300 नोबेलिटी के, तो 600 टोटल हो गए, 600 थर्ड एस्टेट के हैं, तो इस बार आपके पास में एकदम इक्वल चांसेस रहने वाला है। तो उसमें फिर आप जो है समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इक्वालिटी आ रही है। सो दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसोफर्स लाइक रोजियो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो एक प्रिंसिपल था, नाउ दैट्स अ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। देखो डेमोक्रेसी के अंदर, ये तो हम लोग भी जानते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर होता क्या है, तो डेमोक्रेसी के अंदर यही होता है कि एक मतलब यू कैन डेफिनेटली इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव, जो आपको अच्छा लगता है आप उसको वोट दे सकते हो, आपकी वोट की वैल्यू भी एक ही होती है, वन वोट वन वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल होता है, और इस प्रिंसिपल को काफ़ी फेमस फिलोसोफर जैसे कि रोजियो हो गया, तो रोजियो ने अपनी बुक में लिखा था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हु हैज़ रिटन दिस पर्टिकुलर बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो इट इज़ द रोजियो, एंड उसके अंदर कोई एक प्रिंसिपल अगर पूछ ले कि क्या प्रिंसिपल था, तो आप ये लिख सकते हो कि एक वोट है, एक वोट एक मेंबर का होना चाहिए और हर वोट की वैल्यू एक होनी चाहिए। नाउ व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉक्ड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। अब डेफिनेटली राजा तो इसको पास नहीं करेगा भैया कि हर मेंबर का एक वोट होना चाहिए, तो थर्ड एस्टेट वालों को गुस्सा आया, जो 600 जने आए थे वो लोग गुस्से में वापस से वो लोग वॉकआउट कर गए थे, मतलब उन्होंने साफ बोल दिया था कि भैया हमको मीटिंग वीटिंग से लेने का अब कोई लेना देना नहीं है, तुम लोग बस ऐसे ही पागल बनाते हो, जब पता ही है कि दो अगर उनके वोट पड़ गए हैं हमारे अगेंस्ट में तो वही जीतने वाले हैं, टैक्सेस बढ़ने ही वाले हैं, तो हम लोगों का यहाँ पर होने से कोई मतलब ही नहीं होता है। सो फाइनली द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड एस्टेट व्यूड देमसेल्व एज स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन, एंड ऑन 20th जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ द वर्सलेस। फिर फाइनली क्या हुआ कि 20 जून के दिन सारे लोग, जो एक टेनिस कोर्ट था, ठीक है, वहाँ वर्सलेस में ही एक टेनिस कोर्ट हुआ करता है, तो वहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हुए, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्स अ नेशनल असेंबली एंड स्वर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। अब एक बात समझना, इन लोगों ने करा क्या, जितने भी थर्ड एस्टेट के लोग वहाँ से बाहर निकले थे उन्होंने अपने लोगों को बोला कि कितना गलत चल रहा है अंदर, और सबने बोला कि ठीक है हम लोग इकट्ठा होते हैं कहाँ पर, एक टेनिस कोर्ट के अंदर। टेनिस कोर्ट में जो लोग इकट्ठा हुए थे वो केवल थर्ड एस्टेट के लोग थे, ठीक है, फर्स्ट एस्टेट और सेकंड स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, केवल थर्ड एस्टेट के लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए और उन लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली बोल दिया, जैसे कि यहाँ पर पार्लियामेंट होता है, जैसे लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होती है, पूरी डेमोक्रेसी टाइप का फंक्शन होता है, वैसे ही वहाँ पर उन लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली नाम दिया, और उन्होंने ये चीज़ बोला कि हम लोग यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे तब तक हम
खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना ले, और जैसे ही खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो हम जो मोनार्क है दैट इज़ द किंग, उसकी पावर को एकदम से लिमिट कर देंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो मतलब वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है कहीं ना कहीं, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ पर मोनार्क का कुछ काम नहीं होना चाहिए। अब ये जो नेशनल असेंबली थी इसके लीडर भी होना चाहिए, जैसे यहाँ पर अपने इंडिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही वॉज अ लीडर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, तो वहाँ पर जो नेशनल असेंबली थे वहाँ पर नेशनल असेंबली थी तो उसके लीडर कौन थे, तो दो लीडर थे वहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट है, मेरा व्यू और ABCS करके दो पर्सनैलिटी थी एंड दे वर द लीड, ठीक है, वो लोग लीड करते थे। सो मीरा व्यू वॉज बॉर्न इन द नोबेल फैमिली बट वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ द फ्यूडल प्रिविलेज। अब यहाँ पर दो चीज़ समझना ज़रूरी है, पहली चीज़ कि मीरा व्यू जो थे वो हुए तो नोबेल फैमिली में थे, मतलब नोबेलिटी क्लास के थे, लेकिन उनको लोगों की प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी कि यार काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, थर्ड एस्टेट में ऐसा सब नहीं चलना चाहिए, उनका थोड़ा सा मन जो है वो काफ़ी उसकी तरफ आकर्षित हुआ थर्ड एस्टेट की हमको हेल्प करनी चाहिए, तो और इस तरीके से वो थर्ड एस्टेट के साथ में आ गए, बोले मेरे को कोई मतलब नहीं है हमारे ग्रुप से, तुम लोगों के साथ में गलत हो रहा है इसलिए मैं वहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। ही ब्रॉट आउट अ जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड असेंबल्ड एट द वर्सलीस। तो देखो आप लोगों को यूनाइट कैसे कर सकते हो, यू हैव टू गिव द पावरफुल स्पीचेस, मतलब लोगों को आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, तो ABCS और जो मीरा व्यू थे उन्होंने यही चीज़ें करी, बहुत पावरफुल स्पीचेस देते थे, लोगों को बताते थे कि उन लोगों के साथ में कितना गलत हो रहा है और उनको क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस हुआ करती थी। यू कैन सी दिस इज़ द टेनिस कोर्ट, यहाँ पर टेनिस कोर्ट है, कैसे किस तरीके से लोग सारे यहाँ पर खड़े हुए हैं, और प्रेपरेटरी दिस इज़ अ स्केच फॉर अ लार्ज पेंटिंग बाय द जैक्वेस लुइस डेविड एंड द पेंटिंग वॉज इंटेंटेड टू बी हंग इन द नेशनल असेंबली। तो ये पेंटिंग इसीलिए बनाई गई थी कि जब नेशनल असेंबली बनेगी वहाँ पर हम लोग इसको टांगेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर एक कोई बीच में आदमी है, आई थिंक ही मस्ट बी रीडिंग द लॉज एंड द क्लॉजेस, और सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या चीज़ें होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, और इस तरीके से वहाँ का फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मीरा व्यू, एंड मीरा व्यू के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था कि ही वॉज बॉर्न इन द नोबेल फैमिली। अब ABCS की बात करेंगे, तो ABCS क्या थे, तो ABCS ओरिजिनली अ प्रिस्ट, तो ओरिजिनली में ABCS एक प्रिस्ट थे, और प्रिस्ट थे तो यू कैन जस्ट कैलकुलेट फ्रॉम विच क्लास ही बिलोंग बेसिकली, एंड ही रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट, और इन्होंने बहुत ही एक ऐसा पैम्पलेट लिखा था जो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था, लोगों को इन्फ्लुएंस करता था, और उस पैम्पलेट जो था उसका नाम था कि व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट, थर्ड एस्टेट ही क्या है ना, हम लोग किस तरीके से थर्ड एस्टेट को डिकोड कर सकते हैं, तो दैट वॉज अ बिगर क्वेश्चन एंड विच वॉज पुट फॉर्थ इन द माइंड ऑफ द कॉमन पीपल, तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट द वर्सलीस ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द रेस्ट ऑफ द फ्रांस सीथेड विद टर्मोइल, अ सीवियर विंटर हैड मेंट अ बैड हार्वेस्ट, द प्राइस ऑफ द ब्रेड रोज, ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड हॉर्डेड सप्लाईज। नाउ व्हाट वॉज हैपनिंग, सो आई थिंक यू माइट हैव रिमेंबर दैट वी हैव टॉक्ड अर्लियर दैट द पॉपुलेशन ग्रोथ इन द फ्रांस वॉज वेरी बिग, ठीक है, बहुत तेजी से, काफ़ी तेजी से वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ कर रही थी, ग्रो कर रही थी, लेकिन प्रोडक्शन जो है खाने पीने के जो चीज़ें हैं, मतलब जो आपका खाने पीने की फार्मिंग वगैरह जो थी वो इतने रैपिड तरीके से इंक्रीज नहीं हो पा रही थी, तो उसकी वजह से हुआ क्या कि देर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ द ग्रेन्स, वहाँ पर ग्रेन्स की शॉर्टेज होना स्टार्ट हो गई थी, लोग खाने वाले ज़्यादा थे और खाना कम था, तो एक प्रॉब्लम तो ये थी। अब दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा ख़राब विंटर निकला, अब विंटर ख़राब होने की वजह से क्या हुआ कि बैड हार्वेस्ट हुआ, बैड हार्वेस्ट होने की वजह से खाने पीने की चीज़ें मार्केट में जितनी आनी चाहिए थी एटलीस्ट उतनी भी नहीं पहुँची। अब होता क्या है कि यहाँ पर वैसे ही सिचुएशन इतनी वर्स है, सो यू कैन रिलेट दिस सिचुएशन टू द करंट सिचुएशन, आप अभी की जो सिचुएशन है उसे आप बिल्कुल रिलेट कर सकते हो, दैट इज़ द COVID-19 सिचुएशन। तो आप यहाँ पर देखो, एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, रेमडेसिविर इंजेक्शन, आई थिंक यू ऑल हैव हर्ड अबाउट द रेमडेसिविर इंजेक्शन, कि किस तरीके से उसकी कितनी ज़्यादा शॉर्टेज है,
अब होता क्या है कि जितनी ज़्यादा शॉर्टेज होती है उतनी ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट होने के पूरे चांसेस रहते हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि अगर उनके पास में किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी है भी सही तो भी उसको देते नहीं हैं, क्या सोचते हैं कि कोई ना कोई ऐसा आने वाला है जो इसकी बेटर प्राइस देगा। बात समझ में आ रही है? तो वहाँ पर भी यही हो रहा था कि वो लोग जो है इतनी सारी चीज़ें होने के बाद में जो ग्रेन उनके पास में पड़ा था वो भी वो बेच नहीं रहे थे, वो यही सोच रहे थे कि इसका और ज़्यादा पैसा हमको मिलने वाला है। एंड दैट इज़ नोन एज द होर्डेड सप्लाईज। होर्डिंग मतलब हो जाता है यहाँ पर कि सप्लाई को रोक दिया गया था, मतलब जितनी सप्लाई जो शॉपकीपर थे जिनकी जितने आप ऐसा समझो कि उनके गोडाउन में सामान तो पड़ा हुआ था, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत तो हार्वेस्ट अगर थोड़ा बहुत हुआ होगा माइनर हार्वेस्ट तो उतना सामान तो उनके गोडाउन में पड़ा था, बट उन लोगों ने फिर भी रिलीज नहीं कराया आने के आने वाले टाइम में और पैसा मिलेगा। तो लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया था उसके बाद में कि यू कांट इवन इमेजिन। फिर तो लोगों ने फिर जो गदर मचाई थी वहाँ पर वो देखने लायक थी और काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन हम लोगों को बड़े पैमाने पर देखने के लिए मिला, ठीक है। सो आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन द लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी क्राउड्स ऑफ द एंग्री वीमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स। अब क्या हुआ, लोगों का दिमाग खराब हो गया, अब घंटों लाइन में खड़े रहेंगे भैया ब्रेड दे दो दे दो। अब जो शॉपकीपर है उन्होंने मना करना स्टार्ट कर दिया, तो जो वीमेन्स वहाँ पर गई थी उनका गुस्सा जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पर चले गया था। फिर तो सारी चीज़ें उन लोगों ने ख़त्म ही कर दी थी कि भैया कोई रूल रेगुलेशन सब गए बाहर में, हमको कुछ खाने पीने के लिए वैसे ही नहीं मिल रहा, इतनी ज़्यादा परेशानी चल रही है। तो दे एंटर्ड इनटू द शॉप्स और वहाँ पर बहुत फिर दिक्कतें हो गई थी। और इसी टाइम पे किंग ने ऑर्डर दिया था मूव करने के लिए पेरिस में उसके ट्रूप्स को। तो आई थिंक नाउ यू कैन रिलेट टू द फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर जिसमें लिखा गया था कि 14 जुलाई के दिन राजा ने ऑर्डर दिया था, क्योंकि देखो ये सारी सिचुएशन चल रही थी। क्या क्या सिचुएशन चल रही थी, एक तो ये चीज़ तो चल ही रही थी, कोर्ट के अंदर इन लोगों ने एक टेनिस कोर्ट था, टेनिस कोर्ट के अंदर एक खुद की वो बोल दिया था कि थर्ड स्टेट ही जो भी है सब कुछ है, हम लोग ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, देश को आज़ाद कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेट को तो इन लोगों ने इंक्लूड भी नहीं करा था, और फॉर द ऑब्वियस रीज़न, ठीक है, हम लोग समझ सकते हैं कि क्यों इंक्लूड नहीं करा था, क्योंकि थर्ड स्टेट का जो कॉस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन था, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट को नहीं करा था। तो राजा का गुस्सा एक तो यहाँ पर, दूसरी बात लोग जो है हमला करने लग गए थे सिटीज़ के अंदर। तो ये सारी जो चीज़ें चल रही थी फिर हमको यहाँ पर देखने के लिए मिला कि राजा ने ऑर्डर दिया था अपने ट्रुप्स को कि भैया तुम पेरिस में जाओ और वहाँ के लोगों को मारना स्टार्ट करो। तो इससे गुस्सा होकर फिर उन्होंने बेस्टाइल को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था, जो राजा का वहाँ पर किला था, काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टिजियस किला था, उसको ख़त्म कर दिया था। फिर इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। अब मैनर क्या होता है, यू कैन इजीली सी एन एस्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड्स लैंड एंड हिज मेंशन। तो अब था क्या था कि मैनर मतलब होता है कि एक ऐसा एस्टेट डेफिनेटली जहाँ पर जो लॉर्ड होते थे, देखो लॉर्ड मतलब जिनकी ज़मीन वगैरह होती थी, लैंडलॉर्ड्स जो होते थे, तो लैंडलॉर्ड की भी एक प्राइवेट आर्मी हुआ करती है ना, उस टाइम पीरियड पे ज़रूरत होती थी लैंडलॉर्ड की भी प्राइवेट आर्मी की। तो उन लोगों ने अपनी आर्मी भेजी है और उन्होंने अब बैंड को हायर करा, बैंड को हायर करा है मतलब एक आर्मी को ही हायर कर रखा है ऐसा समझ सकते हो ब्रिगेंड्स का, और वो क्या करने वाले हैं, सारी जो क्रॉप्स हैं उसको सब ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। तो अब इससे लोग और परेशान हो गए कि भैया क्रॉप्स वगैरह अगर ख़त्म कर दी जाएगी तो हमारे पास फिर खाने पीने के लिए कुछ नहीं बनेगा और सिचुएशन वर्स हो जाएगी। तो कॉट इन अ फ्रेंजी ऑफ फियर पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज्ड होज एंड पिच फॉक्स एंड अटैक्ड चैटविक्स। नाउ यू माइट बी वंडरिंग दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द होज एंड द पिच फॉक्स, ठीक है। तो देखो होज मतलब क्या होता है, होज एंड पिच फॉक्स दे आर द टूल्स विच आर यूज इन द फार्मिंग मेथड, एक टूल्स होते हैं और जिसको फार्मिंग मेथड में यूज़ करा जाता है। और इन लोगों ने क्या करा कि जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स मतलब क्या हो गया, जो पुअर फार्मर्स वगैरह हो गए, इन लोगों ने क्या करा, जैसे देखो इनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अरे यार जितने बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं इनके जो लोग हैं वो कहाँ पे आने वाले, खेतों में आने वाले और सारी फसलें बर्बाद करने वाले हैं। तो ये केवल एक रूमर था, ठीक है, एक रूमर था मतलब एक अफवाह थी। तो उसमें अगर अगर इसमें अगर हल्की सी भी सच्चाई होती तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता लोगों को। तो वहाँ के जो पीजेंट्स थे उन्होंने क्या करा कि जो बड़े बड़े ट्रेडिशनल टूल्स होते जिससे खेती बाड़ी करते थे उसको सीज कर लिया गया, मतलब सीज कर दिया मतलब डेफिनेटली उन लोगों जब्त कर लिए थे, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो जितने भी थे वो चीज़ें ख़त्म कर दी थी और उन लोगों ने अटैक करा था चैटियॉक्स पे। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि चैटियॉक्स क्या चीज़ है, तो दैट इज़ अ कासल और द स्टेटली रेसिडेंस बिलोंगिंग टू द किंग और अ नोबलमैन। मतलब एक कासल होता है, कासल आप लोग समझ ही सकते हैं कि किला जैसे ही होता है लगभग, और वहाँ पर बड़े बड़े जो लॉर्ड्स होते थे वो रहते थे, ठीक है, काफ़ी बड़े लोग।
सो दे लूटेड हॉर्डेड ग्रेन्स एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द मेनोरियल ड्यूज. अ लार्ज नंबर ऑफ द नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, मेनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू द नेबरिंग कंट्रीज. अब क्या हुआ कि नोबल्स को बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया, क्योंकि इन लोगों ने क्या करा था कि जैसे कि कुछ बड़े बड़े सीज कर लिए थे उन लोगों ने, जो आपके फार्मिंग टूल होते हैं, होस पिच फॉक्स, ये सारे लेके उन लोगों ने अटैक कर दिया था कासल के ऊपर, जहाँ पर बड़े बड़े लॉर्ड्स रहते थे, और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनके लॉर्ड्स के घर पे पड़े हुए थे कि किससे किसको कितना पैसा उधार दिया है, कितना वापस से देना है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने जला दिए थे ताकि प्रीजेंट से वापस से कोई पैसा ना ले सके. और उसके बाद में जितने भी ग्रेन्स वगैरह दुकानों में रखे गए थे वो सब लूट लिए गए थे, और काफ़ी ज़्यादा स्थिति ख़राब हो चुकी थी फ्रांस की उस टाइम पीरियड में. और इसके डर के मारे जो नोबल्स थे ना, उन लोगों को इतना डर लगा था कि भैया हम लोगों को मार नहीं दे, तो उन लोगों ने अपनी कंट्री को छोड़ के पास वाली कंट्री में जाने स्टार्ट कर दिया था. बोले कि फ्रांस में हमको कभी भी मारा जा सकता है. सो फेस्ड विद द पावर ऑफ दिस रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली. अब लुई 16 को डर लग गया, बोले कि भैया चीज़ें बहुत गलत हो रही है, हमको नेशनल असेंबली को मानना ही पड़ेगा, नहीं तो दिक्कतें और बढ़ जाएगी, क्योंकि 90% का वैसे भी थर्ड एस्टेट कंप्राइज करता था. बात समझ में आ रही है? तो ये जो नेशनल असेंबली आपको कोर्ट के अंदर दिख रही है ना, इसको एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिल गया था फ्रॉम द किंग कि हाँ भैया नेशनल असेंबली को हम मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट इज पावर वुड बी फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. और उसने ये बात भी मान ली थी कि भैया सबसे ज़्यादा पावरफुल मैं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है हम उसकी ही बात मानने वाले हैं. मतलब राजा जो है वो एक तरीके से छुआ बन चुका था, और उसको ये बात समझ में आ गई थी कि अब उसने बहुत सारी जो गलतियाँ करी है उसकी सज़ा उसको मिलने वाली है. On the night of 4th of August 1789, the assembly passed a decree abolishing the feudal system of the obligation and taxes. और 4 अगस्त के दिन फाइनली 1789 के दिन ये चीज़ पास करी गई है कि फ्यूडल सिस्टम जो वहाँ पर चलता था, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था, वो ख़त्म कर दिया गया था. टैक्सेस वगैरह वगैरह का जो सिस्टम था कि केवल थर्ड एस्टेट से लिया जाएगा, फर्स्ट और सेकंड स्टेट से नहीं लिया जाएगा, तो इस टाइप की जितनी भी गतिविधियाँ थी वो सारी ख़त्म कर दी गई थी आफ्टर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. हाँ, एक और चीज़ कि मेंबर्स ऑफ द क्लर्गी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस. भले वो क्लर्गी हो, नोबेलिटी हो, उनको सबको अपने प्रिविलेजेस देने ही पड़ेंगे. टिथेस वर अबॉलिश्ड एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड. जो टिथेस एक जो टैक्सेस था जो चर्च लेता था उसको भी ख़त्म कर दिया गया कि हम चर्च को भी कोई टैक्स नहीं देने वाले हैं. चर्च ने हमारे पीजेंट्स के जो लैंड ले रखे हैं वो भी उनको वापस से देना पड़ेगा. तो ये जो सारी चीज़ें थी उन लोगों ने वहाँ पर सब रिवोक कर दी थी. एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड असेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवरीज. आप बहुत बड़ा अमाउंट है ये, 2 बिलियन लिवरीज जितना असेट. असेट मतलब होता है जैसे लैंड वगैरह हो गया है, ठीक है. तो इतने अमाउंट का जो असेट है 2 बिलियन लिवरीज का, वो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया था. तो इतना सारा पैसा जो है जो क्लर्की और नोबेलिटी जो थे वो अपने पास में दबा के बैठे हुए थे, और साथ में टैक्सेस भी नहीं भरते थे, तो इन लोगों का गुस्सा होना काफ़ी ज़्यादा जायज़ था. तो दैट वॉज ऑल अबाउट द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन. और उसका पहला पार्ट है ये कि किस तरीके से रिवोल्यूशन हुआ था. तो आई थिंक नाउ यू कैन रिलेट ऑल द थिंग्स कि किस तरीके से चीज़ें हुई थी, क्यों लोगों के अंदर इतना गुस्सा था. तो मोनार्क की इन्हीं हरकतों की वजह से कि फर्स्ट एस्टेट को कहीं ना कहीं वोटिंग में ज़्यादा फ़ायदा देना, थर्ड एस्टेट को कुछ मतलब नहीं है, थर्ड एस्टेट को इतना ज़्यादा इंक्लूड नहीं कराया जाता था. और फिर उसके बाद में हम लोगों ने ये भी देखा था कि ग्रेन की होर्डिंग वगैरह देखने के लिए मिली थी. और लास्ट जो पॉइंट हम लोगों ने देखा था वो ये था कि जो मैनर थे वो कहीं ना कहीं लॉर्ड्स ऑफ द मैनर, तो उन लोगों ने क्या करा था, जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे उन लोगों ने हमला करने की कोशिश करी थी क्रॉप्स के ऊपर, तो उनसे बचने के लिए भी लोगों ने काफ़ी अच्छा अपना डिफेंसिव सिस्टम बना रखा था. तो दिस इज़ हाउ द नेशनल असेंबली गॉट एक्सेप्टेड. और किस तरीके से आगे चीज़ें हुई वो हम लोग आगे देखेंगे.